दिल्ली की सियासत के हाल ही में दिनों में सुर्खियां बटोर रही शराब नीति यानी आबकारी विभाग से जुड़े घोटाले की जांच करने वाली सीबीआई की एसीबी ब्रांच के डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जितेंद्र कुमार ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। जी हां, एसीबी ब्रांच ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य कई आरोपियों के शराब घोटाले की जाँच कर रही है। दरअसल सीबीआई के एसीबी ब्रांच ने शराब नीति घोटाले में एफआईआर की थी। एसीबी ही उस केस की जाँच कर रही है। उसी ब्रांच में डीएल ए के पद यानी डिप्टी लीगल एडवाइजर के पद पर तैनात जितेंद्र कुमार को ही सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया हुआ था। बता दें कि जो एसीबी की लीगल सलाह देते थे, वहीं डीएलए पेशे से वकील होते हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन विभाग के अंदर आते हैं। वहीं पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डिफेंस कॉलोनी थाने को गुरुवार को सुबह 6:47 बजे इस बार सूचना मिली थी। पुलिस को जब उनके मौके पर सीबीआई के कानूनी उप सलाहकार का शव उनके घर में लटका मिला तो जैकर ने कहा कि एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि कुमार के इस चरम फैसले के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सुसाइड नोट में मानसिक तनाव और बीमारी का जिम्मेदार बताया जा रहा है। बाकी आप क्या कहेंगे, क्योंकि हालांकि कई दर्शक ये कह रहे हैं कि ये हत्या नहीं बल्कि ये साजिश रची गई है। बाकी आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।